बस में चढ़ते समय महिला की नकदी और सोने के आभूषण चोरी हो गए। महिला ने चोरी होने के डर से नकदी और आभूषण साथ में लाए थे। बर्डी थाने में रविवार को प्रकरण दर्ज किया गया। बाजार गांव कोंडाली निवासी मंजूश्री राज बांते गृहिणी है। मंजूश्री का पति किसी कंपनी में काम करता है। नागपुर में पीली नदी के पास मंजूश्री के मामा रहते हैं। मामा के यहाँ उसकी दादी आई हुई थी। उससे मिलने के लिए मंजूश्री नागपुर आई हुई थी। रविवार की शाम को वापस जाने के लिए मंजूश्री ऑटो से मोर भवन पहुंची। बस में चढ़ते समय किसी ने उसके बैग की चेन खोलकर उसमें से 27,000 रुपए नगद और सोने के आभूषण कुल 2,40,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। फरियादी है मंजूश्री राकेश बांते, उम्र 39 साल या उनका प्रॉपर बाजार गांव नागपुर के रहने वाले हैं। वो कल मोर भवन बस स्टैंड से उनके अपने मूलगांव जा रहे थे, तो उसी वक्त उनकी पर्स की चेन उनको खुली दिखी, तो उसमें से उन्होंने चेक किया तो उसमें से उनका 27,000 का रोक रकम और सोना ऐसा मिला के 2,40,000 का माल चोरी होने के उनको खबर उनको पता चला। तो उसके बाद उन्होंने आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।